अच्छा डाले वो व्यक्ति थे जिन्होंने जहरीला स्प्रे उनके यहाँ हाथों में लगा हुआ था। जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए बात खूनी सत्संग स्प्रे वाली साजिश। देखिए हाथरस कांड को लेकर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। वकील एपी सिंह ने दावा किया कि भोले बाबा को बदमाश ये बदनाम करने की साजिश की जा रही है कुछ बदमाशों और अराजक तत्वों की तरफ से, उपद्रवियों की तरफ से। सत्संग में साजिश के चलते स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। एपी सिंह का दावा के 12 से 15 लोग स्प्रे लेकर वहां पर पहुंचे हुए थे। एपी सिंह ने दावा किया कि लोग जहरीले स्प्रे लेकर वहां पर पहुंचे जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हुई और उनकी वहां पर मौत होती चली गई। उन्होंने दावा किया कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी गाड़ियों में सवार हुए और वहां से भाग गए थे। वकील एपी सिंह का हाथरस कांड पर यह दावा, 12 से 15 लोग स्प्रे लेकर वहां पर पहुंचे। और देखिए जो एपी सिंह ने ये दावा किया है ना, इसकी नई थ्योरी क्या है वो आपको जरा हम बताएं बिग बॉल के जरिए। एपी सिंह ने क्या कहा है, हाथरस कांड और ये स्प्रे वाली साजिश। भोले बाबा के वकील एपी सिंह का दावा, 12 से 15 लोग जहरीला स्प्रे लेकर वहां पर पहुंचे हुए थे, ये एपी सिंह ने दावा किया है। और साथ ही भक्तों की भीड़ पर जहरीला स्प्रे वहां पर छिड़क दिया गया, एपी सिंह ने यह कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि साजिश के तहत ये सब हुआ, जहरीले स्प्रे से सांस लेने में वहां पर लोगों को दिक्कत हुई, भोले बाबा के खिलाफ साजिश वहां पर रची गई, ये पूरी साजिश हो रही है उनको फंसाने की, उनको बदनाम करने की, भगदड़ के पीछे सुनियोजित साजिश है, ये एपी सिंह का दावा है भोले बाबा के वकील का। और साथ ही जो भगदड़ के पीछे वहां पर साजिश बता रहे हैं, सुनियोजित तरीके से हत्याएं वहां पर की गई, जो 121 लोगों की जान गई है वो सुनियोजित तरीके से वहां पर की गई, घटना के पहले के सीसीटीवी फुटेज सीज हो, ये उन्होंने कहा, घटना के बाद के जो सीसीटीवी फुटेज है उनको भी सीज किया जाए, इसकी भी उन्होंने मांग की है। और साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि जानबूझ के कुछ लोग वहां पर आए और एक स्प्रे वहां पर छिड़क दिया गया जिसके बाद लोगों की जान वहां पर चली गई। आइए आपको सुनवाते हैं एपी सिंह ने क्या कुछ दावा किया है उन्हीं की जुबानी। हट्टे कट्टे हाफ पैंट पहने गमछा डाले वो व्यक्ति थे जिन्होंने वो जो भगदड़ की, भगदड़ करते समय भगदड़ के पीछे भी उनका एक कारण था कि उन्होंने जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था उनके यहाँ हाथों में लगा हुआ था। जहरीला स्प्रे के इतने बड़े स्प्रे जैसे करते हैं वो इस तरह जहरीले स्प्रे, नशीला स्प्रे यहाँ लगा हुआ था और ऐसे 10 से 12 लोग थे लगातार लगे हुए। उन्होंने इस तरह से ऐसे उसको ऑन कर रखा था, दबा रखा था, जिसकी वजह से वो अपना भाग रहे थे सामने कि उन पर वो असर ना करे। देखिए कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, नारायण साकार हरि को बदनाम नहीं पूरा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम खत्म करने के लिए। और ये तो 123 मौतें हुई फिर भी प्रशासन शासन ने बचा ली, ये और अधिक मौतों की संख्या बढ़ती क्योंकि लगातार वो गमछा ऐसे डाले हुए थे और जिससे स्प्रे छिप सके। इसीलिए जो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है उसमें सांस रुकने की वजह से मृत्यु का कारण बताया गया है। तो एपी सिंह को आपने सुना, पूरी कोशिश वो कर रहे हैं बाबा को बचाने की और साथ ही अब इसको एक नई थ्योरी लेकर के वो आ गए हैं कि साजिश वहां पर कुछ लोगों ने की, स्प्रे लेकर के आए और वो छिड़क दिया जिसके बाद लोगों की जान वहां पर गई। वीरेश पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जानकारियों के साथ। वीरेश, अब जो दावा कर रहे हैं एपी सिंह, इसके बारे में क्या जो जांच एजेंसियां वहां पर हैं, जो जांच टीमें हैं, उनको कोई जानकारी मिली है या फिर हवा हवाई बातें कर रहे हैं एपी सिंह? देखिए बड़े आश्चर्य की बात है, पूरी सरकार, पूरा शासन, पुलिस, जिलाधिकारी, एसपी, एडीजी, जोन, आईजी, डीआईजी, कांस्टेबल, न्यायिक आयोग सब कुछ लगा हुआ है लेकिन अभी वो पूरी तहकीकात नहीं कर पाया है, वो जड़ तक नहीं पहुंच पाया है। लेकिन वकील एपी सिंह नाम भी बता रहे हैं कि संख्या कितनी है, 10 से 12 लोग हैं, इतनी गाड़ियां हैं, 15 से 16 लोग हैं, फिर जहरीला छिड़काव किया गया, फिर वो मुंह बांध के आए थे, फिर किस जगह पर वो खड़े थे, तब तो उन्हें ये भी पता होगा कि बाबा है कहाँ।
बाबा के साथ साथ और आयोजक जो इस पूरे मामले में शामिल थे वो कहाँ कहाँ हैं। तो ऐसी जानकारी एपी सिंह दे रहे हैं कि जो जांच एजेंसियां हैं, जो लाखों रुपए सैलरी पाती हैं, एक नहीं कई लोगों को लगाया गया है, वो सब फेल है और वकील साहब जिंदाबाद हैं। उनको सब जानकारी है और उनको हर पहलू की जानकारी है। ये जानकारी इनको कहां से प्राप्त हुई? पुलिस ने दिया, जज साहब लोगों ने दिया, यहाँ की एसआईटी की टीम ने दी, एडीजी जोन ने दी, किसने दी? ये बड़ा सवाल है। ये कहाँ से बात कर रहे हैं, इसके पीछे का पहलू क्या है, इसका आधार क्या है, पहलू क्या है इसके पीछे का, ये बहुत बड़े सवालों को जन्म देता है। शुक्रिया आपका वीरेश पूरी जानकारी के लिए। देखिए, न्यायिक जांच आयोग ने हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ से हुई 121 मौत की जांच अब तेज कर दी है। न्यायिक आयोग की टीम ने हाथरस में अधिकारियों से बातचीत की और पीड़ितों से मिलकर जानकारी भी जुटाई। इसके अलावा जांच टीम ने हाथरस में हादसे से जुड़े हुए व्यक्ति से पूछताछ की। उन्होंने मीडिया को जानकारी दी कि जो भी वीडियो फुटेज सामने आए हैं, ऑडियो सामने आए हैं, उनकी जांच होगी और जिससे पूछताछ की जरूरत होगी उनसे पूछताछ आगे की जाएगी। इंडिविजुअली हम सभी लोगों से बात करेंगे और जो अपने बयान के साथ साथ वो जो भी अभिलेख देंगे, चाहे वो वीडियो फुटेज हो या कोई रिकॉर्डिंग हो, तो वो अपने स्टेटमेंट के साथ देंगे, उसको शामिल। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम बात नहीं करें। अब आयोग को जिस किसी से भी बात करने की आवश्यकता होगी उनके बयान। तो देखिए, लगातार जांच की जा रही है। न्यायिक आयोग की जो टीम है वो जांच कर रही है और 2 महीने का वक्त मिला हुआ है जब उनको पूरी रिपोर्ट तैयार करके शासन को सौंपनी है, सरकार को सौंपनी है। उसके बाद जो भी निकल करके बाहर आएगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, सरकार ने तो ये कहा ही है। लेकिन अब जो दावा किया है एपी सिंह ने, उसमें ये कहाँ से ये दावा कर रहे हैं, आधार क्या है, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। खैर, इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है हमारी नज़र। अब आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं आसमान से बरसती आफत की खबरों तरफ। मूसलाधार बारिश से मचती तबाही और हाहाकार की बात करेंगे। देखिए, शहर डूबे, गांव गुम, टेरर ऑफ मॉनसून, पहाड़ से मैदान तक, उत्तर से दक्षिण तक और पश्चिम से पूरब तक मॉनसून की मूसलाधार रफ्तार कहर ढा रही है। और तस्वीरें आपको कुछ हम दिखाते हैं जिन्हें देखकर ये साफ है कि किस तरीके से आसमान से आफत इस वक्त बरस रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और मरुधरा कहे जाने वाला राजस्थान, सब इस वक्त बारिश की मार को झेल रहे हैं। सब पानी पानी है, सड़क समंदर बन चुकी है और रास्ते तालाब में तब्दील हो चुके हैं। राज्य दर राज्य देखिए, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें जरूर है अलग अलग राज्यों की, लेकिन कमोवेश तस्वीरें एक जैसी आपको नजर आएंगी। मॉनसून की तूफानी रफ्तार जिंदगी पर किस तरीके से भारी पड़ रही है, ये तस्वीरें वही बता रही हैं। आसमानी साजिश से निकला ये सैलाब और सड़कों से घरों तक कब्जा अब किस तरीके से जमा रहा है वो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। पानी की तेज धार के आगे सिस्टम के दावे टिक नहीं पा रहे हैं और एक और आसमानी मुसीबत लगातार अपार है और दूसरी ओर कुदरत के इस कहर के आगे जिंदगी लाचार होती हुई नजर आ रही है। अब बड़ी खबर एक और आपको देते हैं उत्तराखंड से जो हमारे पास है, जहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से चारधाम यात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। चारधाम यात्रा को रोक दिया गया इस वक्त की जानकारी, इसके पीछे लगातार हो रही बारिश को बताया गया। लैंडस्लाइड के साथ साथ मौसम विभाग का पूर्वानुमान बताया गया है और साथ ही जिसके बाद आज और कल यानी कि 8 जुलाई को गढ़वाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है पूरे गढ़वाल रीजन के लिए। इसके चलते प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि फिलहाल वो ऋषिकेश से आगे चारधाम की यात्रा पर ना जाएं। तीर्थयात्री इस वक्त जिस जगह पर हैं वहीं पर मौसम साफ होने तक का इंतजार करें और जो नई एडवाइजरी आएगी उसके बाद फिर अगर कहा जाएगा आगे बढ़ने के लिए तो फिर आगे बढ़िए, ये कहा गया। तो चारधाम यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी से भी खबर, यहां पर रक्सिया नाले के तेज बहाव में युवक की बाइक बह गई, ये देख रहे हैं आप तस्वीर। दो युवक अपनी जान जोखिम में डालकर उफनाते नाले को पार कर रहे थे लेकिन पानी का तेज बहाव उन्हें यहां पर इस तरीके से बहा ले गया। लेकिन देखिए, गनीमत ये रही कि दोनों युवकों को सुरक्षित बचा लिया गया। प्रशासन की लगातार अपील के बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में वहां पर डाल रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से बाइक वहां पर
बहती चली जा रही है, लेकिन गनीमत ये रही कि दोनों युवकों को बचा लिया गया, लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने उनकी जान बचा ली। देखिए उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है, आइए आपको रामनगर की तस्वीर दिखाते हैं। उस कहर का असर रामनगर के पास एक पुल पर भी पड़ा, देखिए अचानक से पुल किस तरीके से वहां पर धराशायी हो जाता है। ये जिम कॉर्बेट के आसपास वाला इलाका है जहां पर भारी बारिश और उसके बाद ये पुल इस तरीके से धराशायी हो गया। रामनगर की ये तस्वीर है। प्रदेश की तमाम नदियां नाले इस वक्त उफान पर हैं, लेकिन रामनगर में जब ये पुल गिरा आसपास लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आप सुन रहे हैं, लोग मौजूद थे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये पुल बहुत पुराना था और लगातार बारिश हुई और बारिश के बाद इस तरीके से पुल कुछ ही सेकंड्स में धराशायी होती हुई आपको नजर आ रही है। पूरा पुल यहाँ से आवागमन लोग करते थे। आप देखिए उत्तराखंड से लेकर बिहार तक बारिश से जिंदगी बेहाल है, नदियाँ उफान पर हैं, झरने ओवरफ्लो लगातार हो रहे हैं। और ये तस्वीरें बिहार के नवादा में मशहूर ककोलत वाटरफॉल में अचानक से बाढ़ किस तरीके से आई उसी की गवाही है। पिछले एक हफ्ते में तीसरा मौका है जब इस तरह अचानक से बाढ़ के पानी का विकराल रूप देखने को मिला। नवादा की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुरी की बात करते हैं। पुरी में आज से भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुरू हो गई है, भक्तों की भारी भीड़ यात्रा में शामिल है, ये देखिए आप। और इस बीच आज एक अद्भुत तस्वीर देखने को मिली जब यात्रा के ही रूट पर एक एम्बुलेंस आ गई। वॉलंटियर्स ने भीड़ को तुरंत वहां से हटा करके एम्बुलेंस को आगे बढ़ने का पूरा रास्ता दिया, उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज से जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत, लाखों की भीड़ यहां पर मौजूद, लेकिन एम्बुलेंस को वहां से आगे बढ़ने का रास्ता दिया गया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।